ई फार्मेसी के बारे में बात कर लें, क्योंकि आजकल जैसे सामान या कपड़े या जूते आप ऑनलाइन मंगवाते हैं, वैसे ही तो दवाइयां भी मंगवाते हैं। तो इससे संबंधित क्या है भारत में कानून, और आगे आने वाले समय में इसका क्या है, इसको बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। मैं हूं अशोक पांडे, स्वागत करता हूं आपका। सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका अपना चैनल है ऑनलाइन लीगल हेल्प। किसी भी तरीके की परेशानी हो, नंबर दिया हुआ है, कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। चलिए आते हैं मुद्दे पे, भटकते नहीं हैं और बात करते हैं ई फार्मेसी आखिर क्या होता है। डिजिटल वर्ल्ड है, और जब कभी भी हम लोग दुनिया जहां पर डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो फार्मेसी को कैसे छोड़ दें, और इसी से संबंधित कानून है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1945। और इसी से संबंधित जो कानून है, रूल्स भी बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो भी मेडिसिन है वो डिलीवर की जाती है, वो चाहे किसी ऐप के थ्रू हो बुकिंग, या किसी वेबसाइट के थ्रू हो, या ईमेल के थ्रू हो, या व्हाट्सएप के थ्रू हो, या किसी और माध्यम से ऑनलाइन आपने दवाइयों की बुकिंग की और डिलीवरी आपके घर पे हो गई, इसे हम लोग ई फार्मेसी भी कह सकते हैं। कई जो दुकानदार हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, बोर्ड लगा दिया है, आप 24 घंटे दवाइयां अवेलेबल है। आपने उनको कॉल किया और दवाइयां आपके घर पे आ जाएगी। आपने व्हाट्सएप पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया, दवाइयां आपके घर पहुंच जाएगी। अब इसे संबंधित क्या है कानून, क्या है नियम, जानते हैं इसी के बारे में। लगातार बढ़ती हुई गतिविधियां ई कॉमर्स के बारे में, और ई कॉमर्स फार्मेसी से रिलेटेड, जो कि एक तरीके का ऑनलाइन शॉपिंग है दवाइयों की। इंडिया में इससे स्पष्ट कोई कानून नहीं है, और आज भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का जो कानून है डीसीए, उसके हिसाब से गवर्न होता है। और जो डीसीआर यानी जो रूल्स बने थे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में, उसी के अंतर्गत इसे प्रावधानित किया गया है और उसी के हिसाब से इसका रेगुलेशन होता है। कारण ये है कि जब कभी भी आप कोई दवाई खरीदें तो जो फार्मासिस्ट है वो आपको दवाइयां ऐसे ही नहीं दे देता, उसे किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, दवाइयों का पर्ची चाहिए होती है। जब तक वो प्रिस्क्रिप्शन आप उन्हें नहीं दिखाएंगे, नहीं देंगे, और जो फार्मासिस्ट है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है यानी डॉक्टर है वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो आपको वो दवाइयां वो ड्रग्स दे सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो कानूनन अपराध कर रहा है। तो इसी से संबंधित जो कानून है, जो मैकेनिज्म है, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि जो रेगुलेशन है उसको कहते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940 यानी डीसीए, और इसी से संबंधित जो रेगुलेशंस हैं या रूल हैं उनको 1945 का कानून डीसीआर कहते हैं, यानी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स। अब इसका जो सेक्शन 18 है डीसीए का और रूल 61 डीसीआर का, वो ये कहता है कि जब कभी भी, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया कि लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट एक लेजिटिमेट प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही, एक फिजिशियन के हिसाब से ही दवाइयां दे सकता है या बेच सकता है, उसके अलावा वो नहीं बेच सकेगा। तो इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी या इससे जुड़ा हुआ कानून तो हमारे भारत में है नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की बात करें तो ई फार्मेसी के बारे में कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी अब समय बदल रहा है तो शायद सरकार को या भी जो हमारे कानून बनाने वाले लोग हैं उनके दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए, और इससे संबंधित भी वो कानून बनाए जिससे गलत दवाइयों का वितरण या गलत दवाइयों की बिक्री ना हो सके और लोगों के उसके डिसएडवांटेज ना फेस करने पड़े और उन्हें तकलीफ का सामना ना करना पड़े। एडवांटेजेस भी काफी सारे हैं। पेशेंट घर में या हॉस्पिटल में है, उसने ऑनलाइन ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू अपनी दवाइयां बुक करके दवाइयां मंगवा ली, उसे कहीं जाना नहीं पड़ा। ये उसका समय भी बचाता है, और क्योंकि प्रोफेशनली वो काम होता है तो काफी रैपिड एक्शन में समय के हिसाब से जल्दी हो जाता है। आपको 10 फार्मासिस्ट की दवाइयां दवाइयों की दुकान में भटकना नहीं पड़ता। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, ये आपके पैसों की और समय की दोनों बचत कर देता है। पैसों की कैसे, डिस्काउंट मिल जाता है आपको 20-25% तक का, लेकिन आप अगर डायरेक्ट ऑनलाइन शॉप को ना इस्तेमाल कर डायरेक्ट फार्मासिस्ट की शॉप में जाएंगे तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलते। तो इस हिसाब से आपके पैसों की बचत तो करता ही करता है, आपके महत्वपूर्ण समय की भी बचत करता है, और जो मोड ऑफ पेमेंट है वो काफी कन्वीनियंट है। यानी वहां तो आपको सिक्के या चिल्लर देने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो तकलीफ आ सकती है। यहां तो मोड ऑफ पेमेंट आपने ऑनलाइन किया और दवाइयां आपके घर पे आ गई, डिस्काउंट भी आपको मिल गया, तो फायदे भी हैं। इसलिए समय परिवर्तन के साथ में जो मैंने डीसीए और डीसीआर के नियम बताए, 1945 या 1940 के काफी पुराने नियम हैं, उसमें परिवर्तन आना चाहिए और ई फार्मेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसे इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आसानी से लोगों को एक सुविधा मिल सके और उन्हें तकलीफ का सामना ना करना पड़ सके, क्योंकि दवाइयां
वो जहर का काम भी कर सकती हैं अगर गलत तरीके से दी गई तो। इसके साइड इफेक्ट्स भी काफी सारे हैं। आपकी जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। ई फार्मेसी से संबंधित आपके कोई भी टॉपिक या किसी भी प्रश्न का जवाब आप चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हमारी लीगल टीम से असिस्टेंस ले सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप हमेशा हमें देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।